हम सब लोग जिंदगी में कुछ किसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं यार। वी आर रनिंग आफ्टर बेटर रिलेशनशिप्स और ग्रेट रिलेशनशिप्स। वी आर रनिंग आफ्टर एक्वायरिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। हम अपनी पैसे की मंशा में भाग रहे हैं। और पैसे की मंशा में क्यों? बिकॉज मनी गिव्स यू पावर, मनी गिव्स यू स्टेटस, मनी गिव्स यू सिक्योरिटी, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हैंस वी वॉन्ट टू एक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। एंड देन वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ आवर लाइफ हैविंग और ट्राइंग टू हैव गुड रिलेशनशिप्स, चाहे वो अपने पार्टनर्स के साथ हो, चाहे अपने माता पिता के साथ हो, चाहे अपने बच्चों के साथ हो। एज आई सेड, ये पूरा जगत इज द जगत ऑफ रिलेशनशिप्स। अगेन द फंडामेंटल, अगर मेरे स्वयं के रूट्स वीक हैं, अगर मेरा रिश्ता स्वयं के साथ नर्चरिंग नहीं है, स्ट्रेंथनेस नहीं है, कैन आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद एनी बडी आउटसाइड ऑफ मी? अगर मैं स्वयं को ही नहीं मान देता, कैन आई एक्सपेक्ट अदर्स टू गिव मी द मान, टू गिव मी द रिस्पेक्ट, टू गिव मी द लव दैट आई वॉन्ट? या फिर से एक प्रश्न, इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस सेल्फ इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस सेल्फ इज रियली द बेस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, दिस सेल्फ इज रियली द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंसिस इन द वर्ल्ड। सेल्फ, स्वयं, ये बेस है मेरे सभी जीवन के की अनुभूतियों का। ये स्वयं की स्ट्रेंथ निर्धारित करेगी कि मेरे जीवन का अनुभव सुखद है या दुखद, राइट? सो क्वेश्चन टू यू अगेन, इफ दिस इज सो, देन हाउ मच टाइम रियली डू यू स्पेंड ऑन योर ओन सेल्फ? आप स्वयं पे कितना समय व्यतीत करते हैं? स्वयं के साथ प्रतिदिन 24 घंटे में कितना समय व्यतीत करते हैं? टू नर्चर योर ओन सेल्फ, क्वेश्चन को अलग माध्यम से पूछा जा सकता है, आप स्वयं को नर्चर करने के लिए क्या क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू इन 24 आवर्स टू नर्चर योर ओन सेल्फ? रिमेंबर, ये रूट है, स्वयं इज द रूट ऑफ दिस ट्री ऑफ लाइफ। इस रूट को नर्चर करने के लिए what do you do? How much time, how much effort, how much energy do you spend in strengthening the root of the self? Think about it. Do you really every day make it a point ki ek chai ka cup main apni balcony mein ya apne garden mein ya apne kamre mein akele bas khud ke sath baith ke peena chahta hu? ये कुछ पल जीवन के इस कप ऑफ चाय के साथ मैं खुद अपने आप के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। या आज मैं एक अकेले वॉक पे जाऊँगा, इन जंगल, पहाड़ों, वृक्षों, बगीचों की ब्यूटी को सहराऊँगा और अपने साथ रहूँगा। इफ़ यू आर इन अ मैरिड लाइफ, हैव यू एवर अटेम्प्टेड कि बस आज अगले कुछ दिन मैं स्वयं के साथ अकेले सोऊंगा? बिकॉज मैं स्वयं के साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं अपने आप को और जानना, पहचानना, मानना चाहता हूँ। आई इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल डूइंग दैट। हम आउटवर्ड दौड़ में, रेस में, चाहे एज आई सेड, चाहे वो रेस धन कमाने की है या वो रिश्तों को कमाने की रेस है, हम इस आउटवर्ड रेस में इतना व्यस्त हो गए, इतना बिजी हो गए, हमने इतना इम्पोर्टेंस दिया इस आउटवर्ड रेस को कि स्वयं का विस्तार तो रुकी गया, स्वयं की नर्चरिंग तो रुकी गई। थिंक अबाउट इट, जब आप छोटे थे, when you were a child, maybe it is important, maybe अच्छा रहेगा अगर आप इसको लिख भी लें तो, कि जब आप छोटे थे, what all you loved doing,
आई एम नॉट सजेस्टिंग टू यू टू राइट इट डाउन राइट नाउ. थिंक, टेक अ पॉज हियर. थिंक, व्हेन यू वर अ चाइल्ड, व्हेन यू वर अ किड, वो सब क्या चीज़ें थी जो आप करना बहुत पसंद करते थे? यू रियली लव्ड डूइंग दोज थिंग्स. व्हाट वर दोज थिंग्स? जस्ट थिंक, टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट, जेन्युइनली थिंक अबाउट इट. मे बी यू लाइक टू, आपको बहुत पसंद था बारिश के पानी में नहाना. मे बी आपको पसंद था कुछ पेंट करना. मे बी आपको पसंद था बस खाली बैठ के अपनी कहानियाँ बनाते रहना जहन में. आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे बच्चे, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग भी, वेन यू वर अ चाइल्ड, वी ऑल वर ग्रेट स्टोरी टेलर्स, वॉन्ट वी? हम सब बहुत अच्छे कथाकार थे. कोई आ जाता था हमारे पास और हम बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ खुद के जहन से बना के सुनाया करते थे. आई एम श्योर हम में से बहुत लोग ऐसा करते थे. क्यों करता है एक बच्चा ऐसा? क्यों एक बच्चा बारिश के पानी में नहाता है? क्यों एक बच्चा अपनी मन की कहानियाँ बना के अपने दोस्तों, बड़ों, माता पिता को सुनाता है? क्यों रंग लेके सारी दीवारों को घर पे कुछ 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 कलाकारी करता है? क्यों करता है बच्चा ये सब? बिकॉज दिस इज अ चाइल्ड्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. इन्हीं सब माध्यमों से वो दो काम कर रहा है, एक तो अपने स्वयं को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा, विच इज अ लूप हेयर, इन्हीं सब कार्यों से बच्चा स्वयं को एक्सप्रेस कर रहा है. और वो जितना स्वयं को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करता है उतना ही स्टार्ट्स टू नर्चर हिमसेल्फ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस साइकिल हियर? मैं एज अ चाइल्ड, मैं जितना स्वयं को व्यक्त करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, उस सेल्फ एक्सप्रेशन से आई गेट लॉट ऑफ नर्चरिंग बैक. बिकॉज वो सेल्फ एक्सप्रेशन मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ. मैं माता पिता को, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ. इट इज़ द वे माई बींग इज. इस वर्षा में नहाना इज जस्ट द वे द बींग ऑफ अ चाइल्ड इज. इन घर की दीवारों पे कलाकारी करना इज जस्ट अ वे ऑफ चाइल्ड्स बींग. ही इज जस्ट और शी इज जस्ट एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ. और उस एक्सप्रेशन में अ डीप नर्चरिंग हैपन्स. और उस नर्चरिंग से अ डीप स्ट्रेंथ स्टार्ट्स टू कम टू द चाइल्ड. और उस स्ट्रेंथ से इसकी जड़ें गहरी होने लगती हैं. राइट? बट ये काम तो छोड़ दिया हमने. हम समझदार हो गए. वी बिकम इंटेलिजेंट. हमें अपने सोसाइटी में मान की बहुत चिंता है. हमें चिंता है कि अभी बारिश में आप अपने फ्लैट से नीचे उतर के, अपने घर से नीचे उतर के बाहर गलियों में नहाएंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे. मे बी आपके खुद के घर वाले आपको पागल समझेंगे. उस भय से मैंने वो काम करने छोड़ दिए जो मेरे स्वयं को नर्चर करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर वो काम छोड़ दिए जो स्वयं को नर्चर करते हैं तो स्वयं की नर्चरिंग रुक गई. इफ द नर्चरिंग ऑफ दिस पर्सन, दिस बीइंग, दिस सेल्फ स्टॉप्स, हाउ कैन आई एवर हैव एनी नर्चरिंग रिलेशनशिप विद एनीथिंग और एनी बडी आउटसाइड ऑफ मी? या आई हैव जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट लिटिल मोर. मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं. मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हीलर्स हैं. और अक्सर इन मित्रों से बातचीत होती रहती है. एक चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आई पिछले कुछ वर्षों में, व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दीज फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग थ्रू एनी फिजिकल और मेंटल इश्यूज, और जब वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी हीलर के पास जाते हैं, तो एक बड़ा कॉमन फंडामेंटल इशू निकल के आ रहा है
if we try to generalize it. And the issue is, most of the people are suffering from, आपने शायद ये टर्म शुरू सुना होगा, इनर चाइल्ड इश्यूज. हैव यू हर्ड दिस टर्म, द इनर चाइल्ड इशू. इनर चाइल्ड इश्यूज आर द इश्यूज विच मीन्स कि जब आप बच्चे थे, आपके एक्सप्रेशंस को या तो दबा दिया गया, हवा नहीं दी गई उस आपके एक्सप्रेशंस को, और या आपने स्वयं दबा लिया फॉर वट एवर रीजन्स. और उन एक्सप्रेशंस को दबाने से आपके आपके भीतर, आपके गहरे में आघात हुआ, चोट पहुंची आपको. और वो आघात और वो चोट ऐसी पहुंची कि उसकी एक गांठ बन गई आपके व्यक्तित्व में. एंड देन व्हेन यू ग्रो यू बिकम 30, 40, 50, ये जो गांठ बनी आपके व्यक्तित्व में व्हेन यू वर अ चाइल्ड, द इनर चाइल्ड इश्यूज, दिस ट्रबल्स यू थ्रू आउट द लाइफ. सो आई लुक्ड एट दिस इशू, ये इनर चाइल्ड इशू का तात्पर्य क्या है. आई लुक्ड एट इट डीपली एंड आई रियलाइज्ड इट्स नथिंग बट वट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, सेल्फ नर्चरिंग. आपका स्वयं से रिश्ता कहीं टूट गया, आप कहीं बाहर की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो गए स्वयं को भूल के. आपने वो छोटे छोटे अपने एक्सप्रेशंस करने बंद कर दिए सोसाइटी के प्रेशर में, देखा देखी या आई डोंट नो थाउजेंड्स ऑफ रीजन्स, बट कहीं ना कहीं हमने वो अपने छोटे छोटे एक्सप्रेशंस बंद कर दिए और वो आज तक बंद हैं. इनफैक्ट लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, इफ़ यू रीड सम ऑफ द रिसर्च, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ओशो अक्सर इसका बयान किया करते थे, कि आमूमन 7 से 10 साल तक के बीच में या 7 से 12 साल तक की उम्र तक आपकी मेंटल ग्रोथ होती है और फिर रुक जाती है. विच मीन्स वॉट? विच मीन्स वेन आई वॉज 7 or 8 or 9 ईयर्स ऑफ एज, मेरी मेंटल ग्रोथ बस तभी तक हुई और उसके बाद वो ग्रोथ रुक गई. नाउ थ्रू आउट द लाइफ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, मैं उसी मोड में जीऊँगा. मेरी मेंटल एज वही है, 7, 8, 9, 10 साल, वट एवर दैट इज. शॉकिंग बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर मैं 60 साल जीऊँ या वट एवर दैट टाइम इज, आई शुड बी ग्रोइंग एवरी डे, आई शुड बी बिकमिंग मोर मेच्योर एवरी डे, आई शुड बी बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट, मोर वाइज एवरी डे, राइट? बट साइकोलॉजिस्ट आर सेइंग नो, दैट डज नॉट हैपन. You don't become wise with every experience, probably you become little more cunning with every experience. मैं शायद ज़्यादा चलाक हो रहा हूँ हर एक्सपीरियंस के साथ, wise नहीं हो रहा. Wisdom is something about interiority. और मेरे देखे the connection between this is very clear. Why did the mental growth or expansion stopped at 7, 8 or 9 years? इट्स जस्ट सिंपल कि सेल्फ नर्चरिंग की सारी प्रक्रियाएं जो प्रकृति ने मुझे दी वो मैं धीरे धीरे करके साइड पे रखता गया, वो एक एक करके मैं बंद करता गया बॉक्सेस में. और फिर अब आई वॉन्ट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ इनर एनलाइटनमेंट. हाउ विल दिस हैपन फ्रेंड्स? कैसे होगा ये? मैं वर्षों से मित्रों के साथ काम कर रहा हूँ, वर्षों से, और दिखने लगा कि ये होगा कैसे. हाउ विल दिस प्रोग्रेस, दिस इनर विजडम विल कम? सत्य की पहचान आएगी कैसे अगर मेरा स्वयं से रिश्ता ही टूटा हुआ है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं जितने मर्जी यूट्यूब के वीडियोस देखता रहूँ सत्य के लिए, मैं जितने मर्जी सत्संग सेशंस अटेंड करता रहूं सत्य को पाने के लिए, मैं जितने मर्जी प्रयास करता रहूं, क्रियाएं करता रहूं सत्य को पाने के लिए, इट्स एन एफर्ट विच आई एम डूइंग विच इज लेट्स से दिस विच इज गोइंग आउटवर्ड, बट मेरा स्वयं से रिश्ता तो अभी बना ही नहीं, मेरा स्वयं से रिश्ता तो टूटा ही हुआ है अभी. और जब तक ये रिश्ते की
इस स्वयं से रिश्ते की डोर नहीं जुड़ेगी दोस्तों। इट्स लाइक एम्बिकल कॉर्ड, नो, मेरी एक स्वयं से एक एम्बिकल कॉर्ड जुड़ी होनी चाहिए। ये एम्बिकल कॉर्ड शुड नर्चर माई बींग एवरी डे, मेरे स्वयं को, भौतिक स्वयं को भी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट जस्ट स्पिरिचुअल मी, जस्ट द भौतिक मी, द फिजिकल मी। इट शुड बी नर्चरिंग माई बॉडी माइंड ऑल द टाइम एवरी डे। बट अगर ये रिश्ते की डोर मेरी मेरे खुद के साथ टूटी है, तो किस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, किस ज्ञान की मैं होप कर रहा हूँ, किस सत्य को पाने की मैं चाह रख रहा हूँ। फंडामेंटल नहीं जुड़ा हुआ, स्वयं का स्वयं से रिश्ता इज द फंडामेंटल। अभी हम अगर सभी लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकैट्रिस्ट के पास जाएं, सभी लोग, आई कैन एक्चुअली टेल यू 95% ऑफ ऑल ऑफ अस ऑन दिस कॉल टुडे, 95% फ्रेंड्स विल हैव द डायग्नोसिस ऑफ इनर चाइल्ड इश्यूज, 95%। हो सकता है ये नंबर 99% भी हो। वी ऑल अक्रॉस बोर्ड will have this inner child issue. How to correct it? How to correct this? क्यों मैं स्वयं के रिश्ते को उतनी importance नहीं देता जितनी मैं अपने बीवी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने माता पिता के साथ के रिश्ते को अहमियत दे रहा हूँ? I am not saying don't fulfill your responsibilities. I am not saying कि उन रिश्तों की जो अहमियत है उनको आप मत दीजिए। I am not saying that. All I am saying, अगर आपका स्वयं से ही रिश्ता नहीं जुड़ा, you cannot do justice to those relationships. Whatever you will do will just be outward. वो सिर्फ एक दिखावा जैसा मात्र होगा। सुनने में थोड़ा आपको शॉकिंग लगेगी ये बात कि क्या आपका, आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपके प्रियजनों के साथ रिश्ता दिखावे का? आपको ऐसा शॉकिंग लगेगा ये स्टेटमेंट सुन के। बट दोस्तों, वी टॉकिंग अबाउट गहराइयाँ ना, वी टॉकिंग अबाउट डेप्थ्स। अगर गहराई में जाके इसको हम कुरेदना शुरू करें, इसको हम खोलना शुरू करें, यू विल बी रियली शॉक्ड। मोस्ट ऑफ दीज रिलेशनशिप्स दैट वी आर ऑल कैरिंग आर कॉस्मेटिक्स। शॉकिंग बट ट्रू। एंड दिस आई एम शेयरिंग विद यू बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन द पाथ। और जड़ में, रूट में इशू वही कि मेरा स्वयं से रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ। आई एम नॉट कनेक्टेड विद माई ओन सेल्फ। वेन एवर आई हैव टॉक्ड अबाउट और वेन एवर आई शेयर दिस पर्सपेक्टिव विद फ्रेंड्स ऑन द जर्नी, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट निकलता है और एक स्वाभाविक प्रश्न निकलता है। आई एम श्योर आप में से भी कुछ मित्रों के जहन में होगा ये प्रश्न अभी, इज दैट आर वी टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंडल्जेंस? क्या हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडल्जेंस की? अभी वेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्वयं का स्वयं से रिश्ता, एम आई टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंडल्जेंस? नो। इफ यू सी, बचपन में हमें ये समझा सिखा दिया गया कि सेल्फिशनेस इज अ बैड हैबिट, राइट? कि सेल्फिशनेस इज अ बैड हैबिट, ये सिखाया हमें बचपन में। और हमें बचपन में जब ये डेफिनेशन सिखाई गई, हमें दूसरी डेफिनेशन पैरेलल नहीं सिखाई गई, और वो दूसरी डेफिनेशन होनी चाहिए मेरे देखे ऑफ बैलेंस, दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड बीइंग सेल्फ डिनाइड। देयर इज अ बैलेंस, बट इस बैलेंस की हमें बात नहीं की गई, हमें सिखाया नहीं गया, हमें सिर्फ एक साइड दिखाई गई, दैट बीइंग सेल्फिश इज रॉन्ग। इसीलिए सेल्फ इंडल्जेंट बिकेम अ नेगेटिव वर्ड। हमारे कॉनोटेशन में सेल्फ इंडल्जेंस इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? बट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इफ यू सी, आप अपने आसपास, अपने भीतर भी और अपने सभी दोस्तों, मित्रों, परिवार में
स्टार्ट टू ऑब्जर्व पीपल एंड स्टार्ट टू ऑब्जर्व योर ओन सेल्फ, आपको एक बड़ी मज़ेदार बात दिखेगी। दो तरह के लोग हैं हम पृथ्वी पे। एक लोग विच आर इन टू द जोन ऑफ सेल्फ इंडल्जेंस। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हु अर्न, जो अच्छा पैसा कमाते हैं, बट दे लाइक टू स्पेंड दैट मनी ऑन देम सेल्फ अलोन। वो घर पे, घर की ज़रूरतों पे जब वो पैसा खर्च करने की बात आती है, उनको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। जब उनके परिवार के लोग उनको किसी घर की ज़रूरत के लिए पैसे की बात करते हैं, उनको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। बट स्वयं पे जब वही पैसा खर्च करने की बात आता है, उनको वो ठीक लगता है, सेल्फ इंडल्जेंस। सो एक तरह के दोस्त जो इस कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ इंडल्जेंस। दूसरी कैटेगरी के लोग, विच इज़ इन द कैटेगरी ऑफ सेल्फ डिनायल। नाउ सिमिलरली, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स हु हैव डिसेंट एंड गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट वो आज भी कुछ बहुत पुरानी सी चप्पल पहन के घूमते होंगे, वो आज भी बहुत कुछ जो फ़ोन जिसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं आती बिकॉज वो इतना पुराना और ख़राब हो चुका है, वो आज भी वही फ़ोन यूज़ करते हैं। एंड इफ़ यू आस्क देम व्हाई डोंट यू स्पेंड ऑन दिस, दे से वेल इट्स नॉट नीडेड। सो जितना पैसा वो कमाते हैं या उनके पास है, दे ट्राई टू पुट दैट मनी इन टू हाउस होल्ड फॉर एन एग्जाम्पल, इन टू द फैमिली नीड्स फॉर एन एग्जाम्पल। Even when they can afford a new phone, I'm just taking phone as an example. Even when they can afford something which they need, they don't do that. And they don't do that not because of lack of money, but because of the attitude of self-denial. ये दो तरह की category के दोस्त, self-indulgent and self-denial. ना तो मेरा स्वयं से रिश्ता बनेगा जब मैं सेल्फ इंडल्जेंस में जीता हूँ, और ना मेरा स्वयं से रिश्ता तब बनेगा जब मैं सेल्फ डिनायल में जीता हूँ। मेरा स्वयं से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके मध्य में आता हूँ, बिकॉज आई एग्जिस्ट इन द सेंटर, आई डोंट एग्जिस्ट ऑन ईदर ऑफ द एक्सट्रीम्स। माई हार्ट एग्जिस्ट इन द सेंटर, इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ इंडल्जेंस और द एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ डिनायल। Right? So, again, this is a very important theme that we've talked about of self-indulgence and self-denial. Think about it. Note this down. Check kijiye apne behavior mein, are you on this side of the self? Aisa samajh liye ki agar madhya mein self hai, are you on this side of the self, which is self-indulgence ki taraf aap zyada ho? Ya अगर मध्य में सेल्फ है तो आप सेल्फ डिनायल की तरफ ज़्यादा हो। ऑब्जर्व दिस। और जब तक आप इन दोनों एक्सट्रीम्स में रहोगे, आपका रिश्ता स्वयं से बन नहीं पाएगा। स्वयं से रिश्ता बनाने के लिए इन दोनों को जुड़ना होगा और समझना होगा कि वो जो डेफिनेशन सेल्फिशनेस की थी वो अधूरी थी। आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि वो डेफिनेशन सेल्फिश की सही है या गलत है, मैं बोल रहा हूँ वो अधूरी है, क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ इंडल्जेंस की बात कर रही है, वो सेल्फ डिनायल की बात नहीं कर रही। या yeah?